हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय राम जी की। आज मैं एक बार फिर से आप सबके बीच, आप सबके लिए बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, गर्मियों के सीज़न में चलने वाली सब्जी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही कम सामान में हम बनाएंगे और इतनी टेस्टी कि क्या पूछो। तो हम बनाएंगे आज यूनिक प्रकार से कटहल की सब्जी। तो आप हमारे वीडियो पे एंड तक बने रहिए, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, और भी अच्छे लगे तो उसे शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों के साथ। तो चलिए हमारी किचन की ओर, हम आज बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाना बताएंगे आप सबको। ये हमारी 500 ग्राम कटहल है, आप अपने हिसाब से ले लीजिए, कम ज़्यादा कटहल कर सकते हैं। हमने इस तरीके से कट कर लिया है, ऑयल लगा के कट करी हमने, क्योंकि कटहल है ना चिपचिपापन छोड़ती है लिक्विड, तो इसमें ऑयल लगा के इस तरीके से हमने कटहल को कट कर लिया है। और चलिए अब हमारी किचन की ओर, इसमें हम क्या क्या सामान यूज़ करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो आप सबको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। चलिए तो दूसरी स्टेप बताते हैं आपको। चम्मच ऑयल लेना हमारे कटहल की सब्जी बनाने के लिए, हमने एक बड़ी चम्मच ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म होने देते हैं, और ये हम एक टीस्पून जीरा छो ऐड कर दिए हैं इसमें पकने। एक टीस्पून के करीब मेथी है हमारी। अच्छा, ऑयल गर्म हो जाए, जीरा मेथी तब डालिए। मेथी ना से ना बहुत ही अच्छा खुशबू और टेस्ट आएगा। जब भी इस तरीके की कटहल की सब्जी बनाएं तो मेथी अवश्य डालिए। और ये काली वाली सरसों है, एक टीस्पून इसको ऐड कर देते हैं हम। 4 से 5 हरी मिर्ची और 2 लाल मिर्ची है, उनको ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज की प्याज कटी हुई है, तीनों को साथ ही में ऐड करेंगे हम। इन्हें हम पिंक कलर का इसे चलाते हुए पका लेंगे, पिंक कलर का। और ये हमारा मिर्ची और प्याज पक चुके हैं, पिंक कलर आ चुका है इसमें। अब इसमें डालेंगे हम 2 टीस्पून के करीब हमारा पाउडर है, तो इसको भी ऐड कर देंगे इसमें। और हमें 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड करनी, इसको पका लेंगे हम। और जो हमने मूंगफली, एक कटोरी हमारी मूंगफली थी और 4 बादाम थे, उसका हमने पेस्ट बनाया, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ थी, और उन सबका हमने मिक्सर जार में पेस्ट बना लिया था इस तरीके की। तो इसको हम इसमें ऐड करेंगे। जब भी कटहल बनाएं तो इस तरीके की और मसाला बनाकर बनाना, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। थोड़ा सा हम ग्राइंडर जार में पानी लेंगे 1/2 कप के करीब, और इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से, इसको भी पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और इसमें बहुत ही अच्छा खुशबू और फ्लेवर के लिए गरम मसाला ऐड करेंगे 1 से 1.5 टीस्पून के करीब। तो इसको अब पका लेंगे। अब ये 2 मिनट आराम से ले लेगा पकने में मसाला हमारा, तो इसे हम पकाएंगे ढककर 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम कटहल जो कट करके रखी थी उनको डालेंगे और मिक्स कर देंगे इस तरीके से। अभी मेरे इस अनोखे तरीके से सब्जी बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगी दोस्तों, एक बार जरूर ट्राई करें। 1/2 कप पानी डालेंगे और ढक के पकाएंगे हम। धीरे धीरे हमें चलाना भी है 1-1 मिनट में, और इसे ढक के हम पका लेंगे। 2 से 4 मिनट आराम से ले लेगी पकने में। लेते हैं फ्रेंड्स हमारी सब्जी को, 5 मिनट हो गए पकते पकते। तो हमने इसे 2-3 बार है ना इस तरीके से चला के पकाई है, तो ये अच्छे से पक चुकी है। और देखिए, बहुत ही कम ऑयल में हमने कटहल की सब्जी एकदम फरकी बनाई है, बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह की भी कटहल की सब्जी बना कर देखिए आप। अभी इसमें थोड़ा, दोस्तों हमारी एक यूनिक तरीके की कटहल की सब्जी बन के तैयार है। गैस को कर देते हैं बंद, इसको हम अगल बर्तन में, ये देखिए बहुत ही ईजी और झटपट बनने वाली कटहल की सब्जी। और ये लीजिए दोस्तों, ये हमारी कटहल की फरकी वाली सब्जी बन के तैयार हो गई है, बहुत ही कम समय में और कम मसालों में बहुत ही टेस्टी चटपटी सब्जी बनकर तैयार है। गर्मियों के सीज़न में कटहल बहुत मिलती है, तो ये अलग अलग तरीके से बनाकर भी खाइए, एक बार इस तरीके से भी बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो पर अच्छा कमेंट करना। आज की रेसिपी हमारी आप सबको कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, इसको ना पराठे, रोटी, चपाती या पूड़ी पराठे किसी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। और अक्सर कटहल को फरकी या ग्रेवी वाली बनाते हैं, आज हमने फरकी सब्जी बनाई बहुत ही कम मसालों में, कम ऑयल में। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी वो ज़रूर बताना हमें कमेंट करके,
और आप सबको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की, नमस्ते, गुड बाय, राम राम जी की।